हाय क्रिकेटर्स, आज मैं पता किस लिए आया हूँ। आज का टॉपिक बैट्समैन के लिए, और वो टॉपिक बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हर बैट्समैन को उस चीज़ को अगर वो समझ गए ना, बात होगी बैलेंस की। आज का टॉपिक बैलेंस पे रहेगा कि आप मतलब खेलते हुए कोई भी शॉट खेल रहे हैं, आप फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, बैक फुट पे खेल रहे हैं, या आप कोई भी एक्स वाई जेड शॉट खेल रहे हैं और किसी भी बॉलर के अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो आपका इम्पैक्ट पॉइंट पे आप जो भी शॉट खेल रहे हैं उसमें आपका ना बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और बैलेंस जब होता है ना, आप उतने ज़्यादा कंट्रोल में लगते हैं जब आप कोई भी शॉट को एग्जीक्यूट करते हैं, बॉल के हिसाब से खेलते हैं। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बैट्समैन के लिए। 3 ऐसी ड्रिल दे दूंगा, अगर वो कर ली ना अपने फुट और बैक फुट पे, या नॉर्मल बैटिंग करते वक्त अगर आप इन चीज़ों को करते हो तो आप अच्छा बैलेंस कर पाएंगे, और वही चीज़ आपकी बैटिंग के बैलेंस को क्रिएट करने में हेल्प करेगी और आप काफ़ी कंट्रोल लगेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना एक ही बात कहूँगा, जितना इस फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि आपको अब अपडेट्स तभी मिलेंगी। और वही चीज़ इंपॉर्टेंट है अगर आप कोचिंग के टच में रहना चाहते हैं, तो फर्स्ट ड्रिल से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ड्रिल के अंदर है ना, ये जो बैट्समैन है इसको सिर्फ, जैसे आप भी बैटिंग करोगे जब ड्रिल करोगे, तो आपने सिर्फ ध्यान क्या रखना, आप स्टांस में रहेंगे एकदम बैलेंस, और आपको जो बॉलर फेंकने वाला होगा ना, आपका पार्टनर, अभी तो मैं फेंकूंगा, उसको बोलना है कि यार गुड लेंथ के आसपास बॉल फेंकना है, और आपके जो पैर है ना वो पैर आगे पीछे बिल्कुल नहीं चलेंगे, सिर्फ आप हल्का सा हॉवरिंग स्टेप ले सकते हैं, ऐसे बैंड रह सकते हैं, और आपने थ्रू द लाइन हेड के नीचे से प्लेस करना है। ये ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा ऊपर हुआ तो थोड़ा बैंड होंगे, अगर गुड लेंथ पे तो ऐसे वेट को एडजस्ट करना है, फुटवर्क आपका बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होगा, इससे आपको बड़ा हेल्प मिलने वाली। तो फर्स्ट ड्रिल को स्टार्ट करते हैं। शॉट शॉट, बॉडी ना ऐसे ऐसे रखनी है, ऐसे नहीं होगी, समझ रहा है? शॉट, सॉरी, वेरी गुड शॉट, आने दे, गुड शॉट। तो यहां पर हमारी फर्स्ट ड्रिल हुई कंप्लीट। इस ड्रिल में जैसे कि बैट्समैन कर रहा था, थोड़ा सा आप पता क्या करना, बैट अभी ना कोई भी ड्रिल कर रहे हैं हम बैटिंग के अंदर, तो एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, जो आपका ये टॉप हैंड है ना, इसको थोड़ा लीड करने की कोशिश करेंगे, इसको फर्म रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने हेड की जो पोजीशन है ना उसको अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। वो चीज़ आपके जब आप शॉट खेलेंगे, आप बैटिंग करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल दे देगी, और वो चीज़ें बहुत मस्त है बैटिंग के अंदर। सेकेंड ड्रिल पर आ जाते हैं। अब सेकेंड ड्रिल के अंदर जो बात है ना, वो है फ्रंट फुट बैलेंस की। तो फ्रंट फुट बैलेंस के अंदर इसमें हमको क्या ध्यान रखना है कि जो फेंकने वाला है ना, जो आपका पार्टनर होगा, अभी तो मैं फेंक रहा हूँ, उसको क्या ध्यान रखना है कि एक डिसेंट लेंथ पे कवर ड्राइव की जो होती है आइडियल, उस उधर बॉल फेंकनी है, और बैट्समैन पहले से ही फ्रंट फुट पे रहेगा, उसको टो पे वेट नहीं डालना है, उसको बॉल्स पे रखना है, रिलैक्स रखना है, दोनों पैरों पे बराबर, बॉल के साथ उसका वेट आगे आएगा ऐसे, और बैलेंस करना है। पिछला पैर आपका, आप लोगों को पता है कि बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, साइड ऑन रहेगा, और अगले वाला पैर पे पूरा वेट आएगा, बैंड रहेगा, देख लीजिए आप जरा। शॉट, वेरी गुड शॉट। स्टार्टिंग में ना कोई भी बैट्समैन पहले अंडर आर्म करे, ताकि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए बैलेंस बनाने में। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपको लग रहा है कि आप अच्छा कर रहे हैं, आपको थोड़ा कंट्रोल आ रहा है, तो उसके बाद ओवर आर्म करनी है इसी ड्रिल के अंदर, जैसे कि मैं कराने जा रहा हूँ। शॉट है बेटर, रिलैक्स, ये परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। और इस ड्रिल के अंदर ना आपने एक चीज़ बड़ी ध्यान रखनी है, जैसे हल्का सा हील पे वेट है ऐसे, दोनों पैरों पे बराबर है, देखिए मैं आपको साइड वे से बताता हूँ, और स्ट्राइड उतनी निकालें जो कि आपका कंफर्टेबल जोन है आपके हाइट के अकॉर्डिंग, ज़्यादा लॉन्ग स्ट्राइड नहीं चाहिए, ज़्यादा छोटा स्ट्राइड नहीं चाहिए। ये देखिए इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, जब आप ऐसे रहेंगे ना तो कोशिश ये रखनी है आपने हील पे पुश करना है हल्का सा, ताकि दोनों पैरों पे वेट आपका बराबर रहे, और जब प्ले कर रहे हैं बैट का डाउन स्विंग, आपकी सारी चीज़ें एक साथ वर्क में आएंगी ऐसे। ये देखिए आप, वेट ट्रांसफ़र हो रही है। कभी कभी क्या बच्चे गलती करते हैं कि पैर को पहले डाल देते हैं फिर एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं उसमें, हाँ उसकी क्या टाइमिंग मिस होने के उसमें चांसेस बढ़ जाएंगे, जो कि जब आप बॉलर की बॉल खेलेंगे ना नेट्स के अंदर, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो कोशिश क्या करें, आप ऐसे रहें और अपना जो सारा एक रिदम है ना शॉट में, वो ऐसे करके जनरेट करें, हील टू टो एक साथ एंड बैट स्विंग एक साथ,
और बैलेंस आपका इस डे में बड़ा कमाल का बनेगा जब आप 100-200 डेली बॉल्स खेलेंगे इस स्पेसिफिक फ्रंट फुट ड्रिल पे। अब गाइज आ जाते हैं ड्रिल नंबर थर्ड पर। हमने जो लास्ट ड्रिल में किया है फ्रंट फुट पे किया है बैलेंस पे काम, अब बैक फुट पे करेंगे। और बैक फुट पे जैसे मैं बताऊंगा ना, अगर वैसे कर लिया तो इम्प्रूवमेंट आपको खुद फील होगी अगर आप रेगुलर करेंगे। तो बैक फुट में आपने पता क्या करना, स्टार्टिंग में फुल टॉस बॉल करेंगे क्योंकि थोड़ा इजी हो जाएगा। जब हम ड्रिल्स को, हम किसी भी चीज़ को इजी वे में कर देते हैं ना, तो उसमें क्या है, हमें काम करने में थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस जल्दी बढ़ता है क्योंकि चीज़ें इंप्रूव होती हैं। फिर धीरे धीरे हम एडवांस में आएंगे और आप इस वीडियो से जुड़े रहेंगे ना, इस चैनल से, तो आप इजी टू एडवांस ईजिली पिक कर पाएंगे जितनी भी कोचिंग है। तो बैक फुट पे क्या करना है, अभी मैं जैसे इनको फुल टॉस दूंगा, आपने इन्होंने कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बैक के नेक क्रॉस रखना है पैर पहले से ही, ठीक है। सारी चीज़ें सेम रहेंगी जैसे आप स्टांस में रहते हैं, आपने कुछ भी चेंज नहीं करना है। आपका शोल्डर चिन एक पोजीशन में रहेगा और आपका टॉप हैंड डाउन द विकेट रहेगा, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद आपने स्टार्टिंग करनी है लो फुल टॉस से, नी टू थाई की हाइट पे, ज़्यादा ऊपर नहीं देनी है। फेंकने वाला का बड़ा रोल है, पहले कह रहा हूँ, जो भी आपका पार्टनर आपके साथ नोकिंग कर रहा है, रिदम को क्रिएट करना है। एवरी बॉल को आपने फोकस से फेंकना है और बैट्समैन को चाहिए एवरी बॉल फोकस से खेले, तो आपने ऐसे रहना है एंड देन बॉल का वेट करना है और हेड के नीचे ये फ्रंट फुट का यूज़ करना है, ये बैक फुट में। अगर आप स्टार्टिंग में ना फ्रंट फुट का यूज़ नहीं करते तो आपको, देखो मैं बताता हूँ एक और चीज़, ऐसे रहना है ये, ठीक है। अभी आप फर्स्ट में यही करें जो मैं बता रहा हूँ, ये ठीक है। और सेकंड में क्या करना है, इस थर्ड ड्रिल के अंदर भी दो पार्ट है, ऐसे है, फिर आपने फ्रंट फुट का वेट पूरा पीछे लाना है ये, ठीक है। ये दो चीज़ करनी है, स्टार्टिंग में फुल टॉस और फिर मतलब टप्पे वाला बॉल ओवर आर्म। अभी मैं इनको बिल्कुल डैमो करके दिखा रहा हूँ बैट्समैन के साथ, आप बने रहें वीडियो में। मैंने जैसे फर्स्ट ड्रिल डिस्क्राइब की आपको पता लगा ना, वैसे ही फॉलो करना है। अंडर आर्म फुल टॉस है एंड देन यू कैन टेक योर बैक लेग, बैक एंड क्रॉस है, इतना ही है, चल ठीक है, वेरी गुड। तो अभी आपने फुल टॉस पे किया, तो अब मैं आपको ओवर आर्म गुड लेंथ पे बॉल देता हूँ। ओवर आर्म हेड आगे रख के, वेरी गुड। बॉडी को ना ऐसे मत जाने दे, बॉडी को ऐसे जाने दे, पूरे पैर पे आने दे, बैक फुट पे बैलेंस नहीं बनेगा क्या, पूरे पैर पे आएगी बैक फुट। हाँ ये अगर तू टॉप पे ऐसे चला गया ना, तेरा हेड गिर जाएगा, ध्यान रखियो बात, चाहे फ्रंट फुट की बात हो चाहे बैक फुट की बात हो। ये वेरी गुड, पूरे पैर पे रहने दे। ये अभी जा रहा है हेड उधर, फर्क पड़ रहा ना, ऐसे आएगा तो वेट गिर सकता है। ऐसे कब आता है, जब कट मार रहे हो, क्या है फिर बॉल उधर, वेट उधर ही जाएगा बॉल के हिसाब से, है ना। ये उसको पैर को रिलैक्स रख, ऐसे उठा के मत रख, रिलैक्स रख, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। वेरी गुड, अब सही आ रहा है ना, ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें थोड़ी करनी है, ठीक है, बैटर कर सकता है। उन्होंने थर्ड ड्रिल की है और थर्ड ड्रिल के अंदर अभी क्या है कि एक नॉर्मल पोजीशन थी कि सिर्फ बैक एंड अक्रॉस, जैसे मैंने बोला आप समझ गए होंगे। अभी थर्ड ड्रिल में ये क्या करेंगे, बैक फुट पे फ्रंट फुट का वेट भी डालेंगे साथ साथ। स्टार्टिंग करेंगे अंडर आर्म फुल टॉस से, उसके बाद जैसे जैसे ये ठीक करेगा और जैसे जैसे आप इंटरवल्स पे चीज़ें करेंगे तो आप ओवर आर्म पे आ सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आप एडवांस आना पड़ेगा आपको। तो देख लीजिए एक बारी शॉट, हाँ वेरी गुड। कुछ चीज़ें समझनी है, वेट का जो खेल है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है बैटिंग में। अब आप बैक फुट पंच के लिए जा रहे हो, ठीक है, अगर आपके बाहर बॉल है, आपको पॉइंट एरिया में रन्स बनाने, तो आपका वेट अगर ऐसे जाएगा तो हेड अच्छी डायरेक्शन में, अगर बॉल थोड़ी बॉडी के करीब है ना तो आपका हेड ऐसे नहीं जाना चाहिए, आपका जो बैक फुट टो है ना ऐसे नहीं होगा, उससे क्या होगा, आपका वेट ऑटोमेटिकली उधर ट्रांसफर होगा और आपके गैप बनने चालू हो जाएंगे, आपका एज लग जाएगा, आपका वेट गिर जाएगा। तो कोशिश करें जब सामने बॉल है तो वेट पूरा सामने होना चाहिए, पूरे पैर पे इक्वल होना चाहिए, उससे क्या बॉडी का सेपरेशन अच्छा रहेगा और आप अच्छी लाइन में रहेंगे हेड, अगर बात की जाए हेड की, ठीक है। आने दे, वेरी गुड। गैप मत बता, ठीक है, ओवर आर्म पे करते हैं लास्ट में, हम ओवर आर्म से चेक करते हैं ज़रा, और आपको अच्छे से चेक करना अपने आप को। चलो लीड योर टॉप हैंड, वेरी गुड। ये अब वेरी गुड, मच बेटर, ये टॉप क्लास शॉट है, वेरी गुड। अभी क्या देखिए, नॉर्मल बैटिंग में कितना अच्छा लग रहा है,
एक्स्ट्रा करना है, एक्स्ट्रा करेंगे तो एक्स्ट्रा फॉल्ट भी साथ करेंगे। जितना सीख रहे हो उसको कंट्रोल करो, सिंपल है। वेरी नाइस, वेरी गुड, लवली, यस, गुड जॉब बॉय। एक ना बहुत कमाल का बेसिक देने जा रहा हूँ, ड्रिल्स आपने समझ ली होंगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उसको फॉलो कर लेना, अच्छे से काम बन जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है ना, जब भी आप ड्रिल स्टार्ट करेंगे, जैसे आपने मेरी वीडियो को देखा है, तो मैं एक ही बात कहूँगा, स्टार्टिंग में आपने हार्ड मारने नहीं जाना, तेज मारने नहीं जाना। जब आप एक्स्ट्रा करने जाते हैं ना, तो एक्स्ट्रा फॉल्ट क्रिएट करने की कोशिश अपने आप हो जाती है, और एक्स्ट्रा फॉल्ट करते करते आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो बिलो एवरेज प्रैक्टिस हो जाती है, और फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो अगर आप रिजल्ट चाहते हैं ना, तो कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर ब्रेन, कंट्रोल योर टेक्निकल, जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं, और उसको ही फॉलो कीजिए। जितना आप उस चीज़ को समझते हैं ना, तो बैटिंग इतनी मुश्किल नहीं है, कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें ईजी है। आप जो प्रोसेस कर रहे हैं ना, उसको समझिए आप किस तरह से कर रहे हैं। अगर आप ये चीज़ समझते हैं ना, तो समझ लीजिए आप अपने आप को समझते हैं, आप अपनी लिमिटेशन समझते हैं, आप अपनी लर्निंग एबिलिटी समझते हैं, कि मेरे को क्या समझ आ रहा है, मुझे कैसे एग्जीक्यूट करना है। इट मीन्स आप बहुत ही स्मार्ट हैं, और आपकी जब आप स्मार्ट होते हैं, तो अपनी प्रैक्टिस को भी स्मार्ट बना लेते हैं। स्मार्ट कैसे बनाते हैं, आप जो भी चीज़ कर रहे हैं आप बड़े ध्यान से करते हैं, और आपको पता होता है कैसे करनी है, सिंपल सी चीज़ है। तो गाइज, होपफुली ये वीडियो ना आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मैं एक ही बात कहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए भी कमेंट कीजिए, और प्रेस कर दीजिए ये जो बेल आइकन आपको दिख रहा है, क्योंकि आपको अपडेट्स तभी मिलेंगी और आप कोचिंग के टच में रहेंगे। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, ऐसी वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।